अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी इस खूबसूरत सी शायरी के साथ आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ में। दोस्तों हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सब लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों बिना किसी देरी के आपके सामने लगा देता हूँ उस सवाल को जो कल मैंने आपसे पूछा था। सवाल था कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया था। इसके चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे, अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इब्न खुरदाद बेही। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर टू यानी कि अल मसूदी। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है नेहा पांडे, शिवांगी प्रजापति, नीलम सोलंकी, अर्चना राज, पारुल सिंह, जाट चौधरी, गौरी ठाकुर, निशांत तोमर, करण गुप्ता, लोकेश कुमार, ऋचा गुप्ता, गोविंदा ठाकुर, सचिन चौधरी, आशु सिंगमर। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस क्लास को चालू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन कि आप सब लोग अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों लगाते हैं पहला सवाल आपके सामने। ये रहा पहला सवाल, बहुत ही खूबसूरत बहुत सुंदर सवाल है। सवाल में कह रहे कि बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल लगा हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं, यह ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? रक्षा मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन, शिक्षा मंत्रालय के अधीन या फिर वित्त मंत्रालय के अधीन? ये इसके चार ऑप्शन हैं। आप 1, 2, 3, 4 कमेंट करके जल्दी जल्दी हमको इसके आंसर्स बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। इसका सही उत्तर है मित्रों गृह मंत्रालय यानी ऑप्शन नंबर टू। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने 28 अगस्त 2020 को स्वर्ण जयंती का समारोह आयोजित किया जिसमें गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि थे तथा गृह सचिव अजय कुमार भल्ला विशिष्ट अतिथि थे। कोरोना महामारी के कारण इस समारोह का आयोजन वर्चुअल तरीके से यानी ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से किया गया था। दोस्तों अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय जो था, होम मिनिस्ट्री जो थी, वो 15 अगस्त 1947 को प्रकाश में आई। 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ उसी दिन भारत का होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय तैयार था। इसका जो मुख्यालय है वो रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसके अंदर जो इसके चाइल्ड एजेंसीज इसके अंदर जो आती हैं उनमें CAPF है, CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस है, IB है, इंटरनेशनल ब्यूरो है ना, NDRF है और NIA है। ये मुख्य रूप से चाइल्ड एजेंसीज हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगले सवाल को आपके सामने पेश कर देते हैं। अगला खूबसूरत सवाल ये रहा आपके दामन में। सवाल में कह रहे हैं कि हाल ही में चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम हेतु केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 वर्षों के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? चार ऑप्शन है, 90 करोड़ रुपये, 120 करोड़ रुपये, 95.03 करोड़ रुपये या 143.45 करोड़ रुपये। आप सब लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4 आप सब लोगों का उत्तर मेरे को जल्दी जल्दी अपेक्षित है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ज़ोरदार शिवांगी, बहुत अच्छे, सब लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे। चलिए निशांत बहुत अच्छे। इसका जो सही उत्तर है वो है 95.03 करोड़ रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यानी कि भारत के प्रौद्योगिकी और यानी कि प्रौद्योगिकी मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो है वो कौन है, अगर ऐसा आता है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो रविशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, रविशंकर प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद हैं। सबको क्लियर है,
बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ज़ोरदार। अगला सवाल आपकी सेवा में ये रहा आपके सामने, खूबसूरत सवाल है आपके सामने लगा हुआ है कि हाल ही में किसने द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। मारिके लुकास रिजनवेल्ड ने, अरविंद अडिगा ने, मार्गरेट एटवुड ने या बर्नार्डिन एवरिस्टो ने। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप सही उत्तर दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बहुत जल्दी जल्दी उत्तर इसका आप सब लोग दे सकते हैं। अगर बुकर पुरस्कार के बारे में बात करूं तो ये अंग्रेजी में कोई बुक अगर आपने लिखी है, यानी कि बेस्ट बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? इंग्लिश बुक के लिए दिया जाता है, इंग्लिश बुक के लिए दिया जाता है। आपने इंग्लिश में अगर कोई किताब लिखी तो वो बेस्ट है तो उसका दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें जो इनामी राशि है वो 50,000 यूरो है। इसके अलावा दोस्तों 2005 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, यानी 15 साल हो गए इसको दिए जाते हुए। और सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो इस्माइल कादरी को मिला था। इस्माइल कादरी को सबसे पहला बुकर पुरस्कार मिला था। इसका सही जवाब कई सारे लोग दे चुके हैं। सही जवाब पहला ही ऑप्शन है, मारिके लुकास रिजनवेल्ड, यानी कि नीदरलैंड के 29 वर्षीय मारिक लुकास रिजनवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। महिलाएं ये मारिके लुकास रिजनवेल्ड, कहाँ की? नीदरलैंड की हैं। और इनकी आयु मात्र 29 साल है और ये सबसे कम आयु की ऐसी बन गई हैं, सबसे कम आयु में बुकर पुरस्कार को जीतने वाली लेखक बन गई हैं। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है और इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि ये बुकर पुरस्कार से अलग थोड़ा सा पुरस्कार है, जिसको आप क्या कहते हैं, द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास, इन्होंने जो लिखा है उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। हालांकि जो बुकर पुरस्कार है, मेन जो थीम का बुकर पुरस्कार है, वो इंग्लिश की किसी बुक के लिए मिला है, लेकिन ये उपन्यास के लिए भी एक अलग तरीके से इन्होंने निकाला, लेकिन फिर भी बुकर पुरस्कार की श्रेणी में ही आएगा। तो सबसे कम उम्र में बुकर पुरस्कार जीतने वाली का अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो आंसर मारिके लुकास रिजनवेल्ड, नीदरलैंड्स के हैं की हैं और 29 वर्ष इनकी आयु है। चलिए, खूबसूरत सवाल था, कई सारी इसमें सूचनाएं थी आपके लिए, बढ़िया सवाल था, सुंदर सवाल था, बेमिसाल सवाल था। अगला सवाल ये रहा आपके दामन में, सवाल में क्या कह रहे हैं कि 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सरकारी समझौतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ड्रग्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस या तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 1, 2, 3, 4 आप सब लोग इसमें कमेंट्स कर सकते हैं कि इसमें किस में मनाया जाता है। 1, 2, 3, 4 आप सब लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बढ़िया, सुंदर उत्तर, बिल्कुल सही है। पहला उत्तर बिल्कुल ठीक है इसका, कुछ लोग गलत उत्तर भी दे रहे हैं यहाँ पे। 29 अगस्त को पूरे विश्व भर के परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2 दिसंबर 2009 को संकल्प 64/35 अपनाते हुए 29 अगस्त को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2 दिसंबर 2009 को। संकल्प कौन सा था? उसका क्रमांक 64/35। 29 अगस्त को उन्होंने कहा था कि 29 अगस्त को हर बार इसको मनाया जाएगा, ये ऐसे करके, यानी बीते हुए कल इसको मनाया गया। बोलो क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सबको लग रहा होगा। मैं अगला सवाल आपके सामने लगा देता हूँ, बेहद खूबसूरत, दिल को छू जाने वाला सवाल। सवाल में कह रहे हैं कि हाल ही में एयरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 के कहाँ पर आयोजित करने की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने की है? दोस्तों आपको जानकारी होगा, रक्षा मंत्री जो है भारत के, वो श्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। तो इसके चार ऑप्शंस आपके सामने, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना, चार ऑप्शंस आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। आप 1, 2, 3, 4 कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर्स बता सकते हैं, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर्स बता सकते हैं। दोस्तों बहुत गजब की क्लास हम डेली सुबह 9 बजे लेकर के आपके लिए आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के तमाम सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, ये क्लास रेगुलरली कर रहे हैं, तो फिर आपको दिल्ली पुलिस में जो जीएस वाला पोर्शन है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप यूपीएसआई, एसएससी या रेलवे का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तब ये क्लास आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कई सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने एयरो इंडिया का अगला सत्र कोरोना वायरस महामारी के बावजूद अगले वर्ष बेंगलुरु कर्नाटक में 3 से 5 फरवरी के बीच आयोजित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इस द्विवर्षीय कार्यक्रम का आयोजन मंत्रालय ने घरेलू रक्षा उद्योग और प्रमुख वैश्विक एरोस्पेस जगत से चर्चा के बाद निर्धारित समय के अनुसार करने का
फैसला किया है, यानी कि 3 से 5 फेब के बीच में, 3 से 5 फेब के बीच में कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक की अगर बात कर लें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, न केवल राजधानी है बल्कि लार्जेस्ट सिटी भी जो है, सबसे बड़ा शहर भी है दोस्तों। बेंगलुरु न केवल सबसे बड़ा शहर है बल्कि वहाँ की राजधानी भी है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछता है कि बताइए कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था दोस्तों। इसमें 30 जिले हैं, 30 जिले हैं। यहाँ पे जो गवर्नर हैं यानी कि जो राज्यपाल हैं वे विजू भाई वाला, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे 224 सीटें हैं, लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 12 सीटें हैं। ये सवाल है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होते हैं, आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, आप सबको अच्छा भी लग रहा होगा। अगला खूबसूरत सवाल आपकी सेवा में लाने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी लेते रहिए। इसके अलावा इसका पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षागढ़ पे मिल जाएगा, तो बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है, लेकिन स्टैटिक जीके के आप जरूर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक संपन्न हुई है, जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279 यानी 279A के तहत स्थापित की गई। इस काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। यह काउंसिल का 2/3 बहुमत राज्यों के पास है। यह सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसके सारे के सारे कथन सत्य हैं, ये जीएसटी के बारे में सारे के सारे कथन सही बताए गए हैं। इस बैठक में राज्यों के राजस्व की भरपाई के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई है। काउंसिल की बैठक में इस बात को एक खास मुद्दे पर कई विकल्पों को ध्यान में रखकर चर्चा की गई है। इस साल के लिए राज्यों का कुल घाटा 235,000 करोड़ रुपये हो सकता है। दोस्तों अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये सर्विस यानी कि सप्लाई और सर्विस के लिए लिया जाता है। सप्लाई के लिए ये जो टैक्स है ये लगाया जाता है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। ये 5 तरीके से जीएसटी लिया जाता है। एक जीएसटी होता है 0%, यानी कि वहाँ पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री चीज़ है। 5%, 12%, 18% और सर्वाधिक अगर पूछ ले तो 28%। ये 5 तरीके से जीएसटी लिया जाता है, 0, 5, 18, 28। पेपर में पूछा सर्वाधिक जीएसटी कितना, तो 28% हमारा उत्तर होगा। कभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका दोस्तों। इसके अलावा जो जीएसटी है उसके बारे में अगर मैं आपको और थोड़ी सी बातें बताता हूं, तो जो जीएसटी के अधीन नहीं आती हैं चीज़ें वो क्या क्या हैं, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इसके अलावा अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स यानी कि वाइन इत्यादि, ये जो चीज़ें हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स ये जीएसटी से बाहर हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहलिक ड्रिंक और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, ये तीनों इसके बाहर हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये स्टेट के अधीन आते हैं, राज्य के अधीन आते हैं। राज्य अपने हिसाब से इनके कर तय कर सकता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल में कह रहा है कि हाल ही में नाओमी ओसाका अश्वेतों पर पुलिस अत्याचार के विरोध में वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट से हट गई है। नाओमी ओसाका टेनिस में किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, अमेरिका का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, या फिर इनमें से कोई भी उत्तर आपको ठीक नहीं लगता है। आपको जो भी उत्तर इसको लगता है आप सही से हमें बता सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं लाइव चैट के अंदर। बिल्कुल सही उत्तर इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जापान। जापान की चौथी वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका ने वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही नस्लीय न्याय की अपील द्रुत करते हुए टूर्नामेंट से वो हट गई और उन्हें तुरंत ही साथी खिलाड़ियों का समर्थन भी मिला है। दोस्तों अगर ओसाका अश्वेतों के बारे में बात करें, तो नाओमी ओसाका के बारे में बात करें तो ये अमेरिका के अंदर हुई हाल फिलहाल में अश्वेतों के ऊपर अत्याचार की घटना के विरोध में इन्होंने यहाँ से लिया है। अगर जापान की बात करें दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो पीएम हैं शिंजो आबे, दोस्तों हाल ही में शिंजो आबे ने
जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है, मैंने लिख करके काट दिया है क्योंकि अभी जल्दी में इन्होंने इस्तीफा सौंपा था। बड़ी वहाँ पे उहापोह की स्थिति है। अपने स्वास्थ्य का आधार बनाते हुए शिंजो आबे ने कहा कि अब वो इस पद पर बने नहीं रह सकते हैं और इसलिए उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ रहा है। दोस्तों इसके अतिरिक्त जापान की राजनीति के अंदर ये एक भूचाल जैसी स्थिति है, चूँकि शिंजो आबे जापान के अब तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जापान के कोई प्रधानमंत्री थे। दोस्तों उनका स्टैंड भारत के साथ ही था, जैसा कि चाइना को लेकर के अगर बात करी जाए तो साउथ चाइना सी में जापान अमेरिका मिलकर के चाइना के जो दुष्कृत्य हैं उनके खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे थे। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही खूबसूरत लगा देते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में जनधन योजना की छठी वर्षगांठ मनाई गई है, इस योजना के संदर्भ में सत्यकथन कौन सा है। पहला कथन कह रहे हैं कि इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2015 में की गई थी। दूसरा है कि जनधन खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से कम है। यह योजना वित्तीय समावेश अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आगे बढ़ाती है, या फिर इस योजना के खाता धारकों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। दोस्तों इसमें से इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है 3, यानी कि यह योजना वित्तीय समावेश प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आगे बढ़ाती है। ना तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 में की गई थी, ये पहला बिल्कुल गलत है। इसकी तो घोषणा की गई 2014 में और वो तारीख थी 28 अगस्त। इसकी घोषणा 28 अगस्त 2014 को की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से कम नहीं है, बल्कि 50% इसमें महिलाओं की जनसंख्या की जो साझेदारी है वो अधिक है। दोस्तों इसके अतिरिक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, अगर वित्त मंत्री की बात यहीं पे कर लें आपसे तो निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त 15 मिलियन बैंक अकाउंट पहले ही दिन इसमें खुल गए थे, 15 मिलियन बैंक अकाउंट पहले ही दिन जनधन योजना में खुल गए थे और ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको जगह दी थी अपनी किताब के अंदर और कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कहीं विश्व में एक ही दिन में 15 मिलियन से ज़्यादा खाते खोले गए हों, तो ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया। जो गिनीज बुक है वो यूके के द्वारा, यूके की एक किताब है, वहाँ एक पब्लिशर द्वारा जारी की जाती है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। आपके सारे उत्तर यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगला सवाल आपके सामने 9वां सवाल ये रहा कि हाल ही में राफेल विमान पुनः सुर्खियों में है, इस विमान के संदर्भ में सत्यकथन कौन सा है। इस विमान की निर्माता कंपनी डसॉल्ट है, यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, यह विमान हवा में ईंधन भर सकने में सक्षम है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो इसके सारे के सारे कथन सत्य हैं। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 सितंबर को भारत में आए 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। यह कार्यक्रम हरियाणा में अंबाला एयरबेस पर किया जाएगा। ध्यान रखिए किस तारीख को, 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना के हवाले इनको कर देंगे। हरियाणा के अंबाला में जो एयरबेस है अपना, वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी शामिल होने की संभावना है, उन्हें भी न्योता दिया गया है। हो सकता है फ्रांस के रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों राफेल के बारे में बात करें तो राफेल जो है एक फ्रांस का, कहाँ का निर्मित है, तो फ्रांस का है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आपको जानकारी होगा। इसकी कंपनी डसॉल्ट एविएशन इसकी कंपनी का नाम है, इसका पूरा नाम एविएशन और लगा लें तो पूरा नाम हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन। दोस्तों भारत के अलावा ये फ्रांस के पास है, इजिप्ट के पास है और कतर के पास है, इजिप्ट और कतर के पास ये है। सबको समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छा भी लग रहा होगा। अगला सवाल आपके सामने लगा देते हैं, अगला खूबसूरत सवाल आपके सामने ये रहा, ये तैर रहा आपके दामन में। खूबसूरत सवाल है आपसे कह रहे कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये कल है, कल राष्ट्रीय खेल दिवस था, यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है जी, ये आज नहीं, ये कल था। यह दिवस किस महान खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है, सचिन तेंदुलकर, चुन्नी गोस्वामी, मेजर ध्यानचंद या धनराज पिल्ली। आपको सबको मालूम है मेजर ध्यानचंद इसका सही उत्तर है। कल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का 115वां जन्मदिवस था। कल सन 1905 में दुनिया में इस महान खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इनका
पेपर के सवाल पूछा गया है कि द विजार्ड किसको कहा गया है, तो द विजार्ड इनको कहा गया है। हॉकी का जादूगर किसको कहा गया है, इन्हीं को कहा गया है। द मैजिशियन किसको कहा गया है, यानी कि जादूगर, हॉकी का जादूगर, तो मेजर ध्यानचंद को ही कहा गया है। ये टाइटल है, पेपर में टाइटल के नाम से भी सवाल पूछ लिया जाता है। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है जी। इसके अलावा आर्मी में ये मेजर पद पर थे, आर्मी में मेजर पद पर थे, मेजर मेजर रैंक पर थे, इनकी जो रैंक थी आर्मी में मेजर थी। पंजाब रेजिमेंट में थे, पंजाब रेजिमेंट, आर्मी में पंजाब रेजिमेंट में मेजर थे। सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। इन्होंने अपने जीवन में 570 गोल किए थे, 570 गोल इन्होंने अपने जीवन में किए थे। ये सारे सवाल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं लाया हूँ गणित से, बढ़िया सवाल है, आराम से सोल्व कर लीजिएगा। सवाल है कि तीन संख्याओं का औसत 12 है, बड़ी संख्या 16 है, यदि छोटी संख्या और बड़ी संख्या की आधी है तो हमको तीसरी संख्या बतानी है। दोस्तों इस सवाल को आराम से सोल्व करके इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। 1 2 3 4 आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपका नाम कल के सेशन में, यानी कि 31 अगस्त के सेशन में लिया जाएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम को 5 बजे मैं आपके साथ में स्टैटिक जीके के ज़बरदस्त कैप्सूल के साथ में मिलूंगा। वो कैप्सूल बहुत खास, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत छोटे टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप सब लोग उसका शेड्यूल मैं जल्दी ही डाल दूंगा, आप सब लोग उसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। शाम को 5 बजे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।